हाय, आई एम विनय राणा। ये मेरी पहली फिल्म है, मैं इस फिल्म से डेब्यू कर रहा हूँ। और आखिर कब तक, यानी ये खुद में एक सवाल है। ये मूवी जो हमारी डोरी सिस्टम के खिलाफ एक जंग छड़ी गई है। आजकल हमारे बिहार राजस्थान में बहुत जोर शोर से चल रही है, उसके खिलाफ एक जंग छड़ी गई है। और मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। इसके पहले मैंने मॉडलिंग किया और मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। मिथिलेश अविनाश जी ने मुझे बुलाया, मैं स्क्रीन टेस्ट लिया। इसके बाद मुझे वो बोला कि तुम इस रोल में फिट हो। इसके लिए इसी तरह मुझे कास्टिंग हुई है। मैं इसमें कॉलेज बॉय हूँ, जी हाँ। और जो हमारी शादी होती है, लेकिन शादी दहेज पर होती है, इसके लिए मैं भी फाइट करता हूँ। जो मेरी हीरोइन है मनीषा सिंह, वो भी फाइट करती हैं। इस तरह से इस फिल्म का जो है ताना बुना है। आप लोग देखेंगे, इसको अच्छा लगेगा। और मैं अपने ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि इस मूवी को जरूर एक बार जरूर देखें। हालांकि इस तरह की मूवी बहुत सारी बन चुकी है, लेकिन पहली बार इस तरह की ट्रीटमेंट मिली इस मूवी को। और ऑफकोर्स आप लोगों को अच्छा लगेगा, जरूर इस मूवी को एक बार जरूर देखें। जी ये एक मैसेजिंग मूवी है, जो कि एक दहेज के ऊपर जो भी होता है उसको खत्म करने की एक मुहिम है। इस मूवी का यहीं आप लोगों को संदेश मिलेगा, यहीं जाएगा। ओके, थैंक यू। या हेलो एवरीवन, इट्स आदित्य मोहन। आई वाज मिस्टर बिहार इन 2006 एंड एंजॉय द ट्रेलर एंड टीजर ऑफ आखिर कब तक। सो एनी क्वेश्चन? इट्स ऑफ कोर्स टोटली मैसेंजर मूवी। इट्स अ मूवी अबाउट द दहेज प्रथा। एंड बेसिकली इन आवर पास्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री वी सॉ द कॉन्सेप्ट अबाउट द दहेज प्रथा, दैट हमेशा जो है वी लेडीज को ही लेकर कुछ ऐसा देखा है। बट इन फर्स्ट टाइम इन दिस मूवी विल सी कि जो ये दहेज प्रथा होता है, इट्स नॉट ओनली विथ लेडीज, सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दबंग फैमिलीज जो होते हैं, एक शरीफ सीधे साधे आदमी को भी उस दहेज के लालच में फंसा देते हैं कि बेटियों के साथ ये करो तो अपने घर में अपनी माँ को निकाल दो, तो ये कर दो वो कर दो। ऐसा कुछ किरदार मेरा इसमें है, जो कि काफ़ी एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, जो कि पिक्चर आने पर आप देखोगे टीजर में जो दिखा आपको। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, जो सच्चाई बताऊं कि जब क्लाइमेक्स, जब लास्ट दिन का शूट था, जब मुझे पता चला कि थोड़ी से कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं और पूरा सीन मेरा हॉस्पिटल में था जहाँ मुझे सारी चीज़ें दिखानी थी, तो उस टाइम मैं पिछले दो दिनों से हॉस्पिटल, अपने रियल लाइफ में हॉस्पिटल की ज़िंदगी से जुझारू हो रहा था। तो जब मैं शॉट देता था तो माइंड में तो मेरे वहीं रहता था कि मेरे घर पे क्या चल रहा है। तो जो जैसा कि वहाँ पे किसी ने बोला कि मैं अपने कैरेक्टर से निकल नहीं पा रहा था, तो एक्चुअली सिचुएशन ये था कि मैं वहाँ के बारे में इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, इतना ज़्यादा सोच रहा था कि कैरेक्टर में मैं घुसा ही हुआ था। सो ये प्रिपरेशन ऐसा कुछ नहीं था, कैरेक्टर काफ़ी सीधा साधा था और रियल लाइफ में मैं सीधा साधा हो भी, तो उसे ही मैंने कंटिन्यू किया और क्लाइमेक्स के टाइम ये सिचुएशन हो गया मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मेरा नाम धीरज पंडित है, कलाकार हूँ। हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, कई सारी भाषाओं में एज एन एक्टर मैंने फिल्म की है, जिसमें कई फिल्में काफ़ी चर्चित भी रही हैं। बांग्ला में एनकाउंटर आमी जे तुमार, और भोजपुरी में प्रधान जी, कजरा मोहब्बत वाला, तुलसी। ये हिंदी मूवी है मेरी, और इसके बाद आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसमें मैं जो लीड कर रही लड़की मनीषा सिंह, उसके मुस्लिम भाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं। एक माँ के कोख से तो हम जन्म नहीं लिए, एक धर्म संप्रदाय से भी नहीं है, लेकिन उसे बहन की तरह मानते हैं। और जब बीच में ऐसी बात आती है कि दहेज देना है और मनीषा का परिवार दहेज देने में सक्षम नहीं है, तो एक जिम्मेदार भाई की भूमिका निभाते हुए मेहनत करता हूँ, और जो भी दहेज की मांग होती है उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, ताकि वो पैसों का बंदोबस्त हो जाए जिसकी मांग की गई है। ओके सर,
मैसेज क्या आगे चल के देगी पब्लिक और कितना चेंजिंग हो सकती है सोसाइटी? देखिए, कानून तो कई सारे बनाए गए हैं दहेज प्रथा के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का जो डर है वो लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ झा सर को, जिन्होंने एक मीनिंगफुल एक मैसेज देती मैसेज कन्वे करती हुई एक फिल्म उन्होंने अब बनाई, हिम्मत दिखाई। जहाँ तक सामाजिक सुधार से संलग्न अगर कोई स्क्रिप्ट आती है, फिल्म बनती है, तो लोग बहुत ज़्यादा सराहना नहीं करते हैं उसकी, और दर्शक भी बड़े कम मिलते हैं, उनके हिसाब से बोरिंग मूवी होती है। लेकिन एज अ फिल्म मेकर समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है हर किसी की कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी में आगे चल रही है? चेंजेस मानसिकता में तो बदलाव आना चाहिए, और मानसिकता बदलेगी तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि कानून का जो डर है दहेज प्रथा के खिलाफ, जितने कानून बनाए गए हैं, क्या सचमुच उस पर अमल हो रहा है? लोग डर रहे हैं दहेज लेने से? बिल्कुल नहीं डर रहे। बदले कम से कम लोगों की कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आए। क्योंकि जो पिता दहेज का बंदोबस्त करता है, पूरे जीवन भर की गाढ़ी कमाई अपनी बेटी के नाम करके भेज देता है, होते हैं क्या उनकी मांग बंद हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। और तरह तरह के स्वांग रचकर प्रताड़ित किया जाता है लड़की को, तो ये कहीं ना कहीं कुरीति है, एक दुख है, एक दर्द है भारतीय समाज का, और उसे दूर होना चाहिए। दहेज की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो लोग बात करते हैं कि आपने आपकी फैमिली की बात किया जाए, आपसे रिलेटिव्स बात की, तो आप कभी किसी को ये संदेश दिया है कि नहीं लेना चाहिए? लोग बात तो करते हैं लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं बदलते। एक लालसा तो रहती है बचपन से लेकर के बड़े होने तक, जो खर्चे लड़के के पीछे किया गया है, तो भाई शादी करके जो लड़की आएगी तो वो सारे खर्चे लड़की वालों से ले लिया जाएगा। लेकिन क्या वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया तो एक बाप ने अपनी बेटी को भी पढ़ाया होगा? लोग नॉन पेड वर्कर की तरह लड़कियों को ट्रीट करते अपने परिवार में। एक सदस्य आपको मिल रहा है जो जीवन भर आपकी सेवा करेगी, जो बाल बच्चे होंगे उसकी सेवा करेगी, आजीवन आपके साथ लगी रहेगी, तो इसके बदले पैसा कैसा लेना? उल्टा देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर दहेज है तो कि लड़के वाले अपने तरफ से पैसे लड़की वालों को दे कि आप मुझे एक ऐसी गृह लक्ष्मी दे रहे हैं जो आजीवन हमारा ख्याल रखेगी। लड़का होना बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई हम पुरुष हैं तो हमारा हक बन गया कि हम दहेज लें। प्रथा ऐसी होनी चाहिए कि दहेज देना शुरू करें। बड़ा दुख होता है, एक तो मैरिज सेरेमनी वगैरह में जो अनर्गल पैसे खर्च होते हैं, और रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं लोग ये सोच के बैठे हैं कि भाई हमने लड़का जन्म दिया है तो हमारा हक बनता है कि हम दहेज लें। मेरे बोलने से या किसी के रोकने से कोई इंसान रुक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मानसिकता बदलनी पड़ती है लोगों को, सोच बदलनी पड़ती है। ये फिल्म उसी चीज़ को, उसी कुप्रथा को दूर करने के लिए बनाई गई है कि इस फिल्म के जरिए लोगों की मानसिकता बदले, वो सोचने पर मजबूर हो कि क्या सचमुच दहेज लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। क्योंकि जितना पढ़ाई लिखाई में खर्च लड़के के पिता ने उसके ऊपर किया, उतना लड़की के पिता ने भी किया होगा। और आपको एक ऐसी सदस्य आपके घर आ रही है जो आजीवन आपके घर के सदस्यों का ख्याल रखेगी, तो पैसे दे करके, ये बड़ा दुख देता है, बहुत तकलीफ दे समस्या है हमारे समाज की।